Hey girls, it's Anjali. Welcome to my channel. In this video, I created 3 eye makeup looks which are inspired by Deepika Padukone. So to check how I created all the 3 looks, please keep on watching my video. First of all, I'm taking this brow pencil from Wet n Wild. आपके eyebrows को काफ़ी ज़्यादा natural look देता है, ये light brown color में है. दूसरे side इसमें comb रहता है जिससे आप अपनी brows को comb करके उनको उसको finished look आप दे सकते हो. तो अब after filling my brows, जो कि आपको एक natural सा look मिलता है, ये like काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. Next I'm taking this Rock Nudes palette and Deepika Padukone की अगर आप picture में देखोगे जो उनका look है जो कि inspired from Rabta movie. मैं बताना आपको भूल गई, तो उनके eyelid पे brown color है जो कि मैंने इस palette से pick किया है, कुछ match होता हुआ color. देन मैं ले रही हूँ यहाँ पे आइकॉनिक काजल फ्रॉम लैक्मे एंड मैं अपने इसको लैश लाइन पे थोड़ा सा अप्लाई करूँगी बिकॉज लेटर ऑन वी हैव टू स्मज दिस कलर. देन आई एम टेकिंग माई कलर बार का स्मजर ब्रश एंड इसको यूज़ करते हुए मैं इस ब्लैक कलर जो है पाउडर आई शेडो वो पिक करूँगी, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका स्मज करना काजल को काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है. तो मैं स्मजर ब्रश की हेल्प से लाइक स्लोली एंड स्लोली लाइक टाइम लेकर, आपको टाइम लेना है, चाहे आपको 5-10 मिनट लगे बट आपको टाइम देकर अच्छे से उसको स्मज करना है. एंड मेक श्योर टू बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज ब्लैक कलर है, रिस्क नहीं लेना है पॉज. तो इसी तरीके से मैं नीचे अपनी लैश लाइन पे, लोअर लैश लाइन पे भी दोबारा से सेम काजल आइकॉनिक का अप्लाई कर रही हूँ. एंड देन सेम स्मजर ब्रश के हेल्प से जो कि मैंने कलर बार का लिया है उससे मैं स्मज कर लूँगी अपने लोअर लैश लाइन पे. सो दिस इज़ द लुक बेसिकली, आपको आराम से इसको करना है. एंड देन मैं पैक के आई लैशेस ले रही हूँ यहाँ पे बिकॉज आई लैशेस के बिना लुक कम्प्लीट नहीं होता है, राइट. नेक्स्ट मैं हाईलाइट कर लूँगी अपने ब्राउ बोन्स को एंड इन द सेम वे आई विल हाईलाइट द इनर कॉर्नर एरियाज ऑफ माई आई टू गिव माई आईज अ ब्राइटर एंड अ वेरी वेरी पॉप्ड अप लुक. काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है हाईलाइट करने के बाद. एंड देन मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी पैक का लिप कलर बिकॉज इफ़ यू सी द पिक्चर ऑफ दीपिका पादुकोण, शी इज़ वेयरिंग अ न्यूट लिप कलर. तो मैंने कुछ मिलता जुलता मैच करता हुआ लिया है, जैसे कि आप ही ले सकते हो. देन मैंने हाफ एंड हाफ का लिया है न्यूट कलर जो कि मैं आई विल अप्लाई ऑन टॉप ऑफ दिस लिप कलर. सो विद दिस आई कम्प्लीट माई लुक. एंड लुक नंबर 2, जो कि मुझे नहीं पता कि बेसिकली ये लुक कौन सा है, बट मैंने इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल में दीपिका पादुकोण की ये पिक्चर्स चेक की थी जहाँ पे मुझे ये लुक मिला. सो या मैं क्रिएट कर रही हूँ ये वाला लुक जो कि बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा लुक है. एंड सेम तरीके से मैं वापस से अपने आईब्रोज कर रही हूँ जैसे मैंने फर्स्ट लुक के लिए किया था, तो यू नो इट ऑलरेडी, राइट. सो नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये पैलेट जहाँ पर मैं ये कलर यूज़ करूँगी बिकॉज दीपिका की आईज़ पे ये सटल सा कलर है, कुछ ब्राउनिश लाइट ब्राउन सा कलर है जो कि पूरी आईलेट पे अप्लाइड है. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला शिमर शेड फ्रॉम द सेम पैलेट फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन एंड मैं इसको अपने लाइक 1/4 एरिया पे आईलेट पे अप्लाई कर लूँगी, सेम तरीके से जैसे कि राइट हैंड साइड वाली पिक्चर पे दीपिका पादुकोण की आईज़ पे अप्लाइड है. नेक्स्ट मैं एक फ्लफ़ी सा ब्लेंडिंग ब्रश लेकर के अपनी क्रीज पे इसको ब्रश को एक बार यू नो अच्छे से कलर्स जो है वो ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइंस नहीं रहे और जो मेरा आई लुक है वो अच्छा सा नीट एंड क्लीन लगे. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे कोलोसल लाइनर जो कि है फ्रॉम मेबेलिन एंड मैं एक थिन सा लाइनर अप्लाई कर रही हूँ जैसे दीपिका पादुकोण ने अप्लाई किया है पिक्चर में. सो छोटा सा विंग क्रिएट कर रही हूँ मैं, ज़्यादा आई एम नॉट दैट फॉन्ड ऑफ यू नो विंग आई लाइनर्स एंड ऑल, तो मैं छोटा सा विंग क्रिएट कर रही हूँ. सो एंड सेम ब्राउन कलर मैं नीचे की तरफ भी ड्रैग कर लूँगी अपने जो लोअर लैश लाइन है वहाँ पे. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे गाला का मस्कारा जो कि बहुत अच्छा है, अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए मस्कारा सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ये आपके आईलैशेस को एकदम सेपरेट कर सकता है एज यू कैन सी इन द वीडियो एज वेल. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे पैक की आईलैशेस जो कि मैं ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ अपनी वीडियो में, ये नंबर मैं जो है मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे कोट कर लूँगी यहाँ पे लैक्मे 9 to 5 आईलाइनर से ताकि जो बैंड होता है ना लैशेस का वो दिखे ना वहाँ पे वाइट कलर का. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का लिप कलर टू फिल माय लिप्स एंड उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी एक
पिंक कलर का लिपस्टिक जो कि लाइट पिंक सा है फ्रॉम शुगर, एंड इसका जस्ट हमें टेन सा अप्लाई करना लिप्स पे. मैं प्रॉपर लिपस्टिक के फॉर्म में इसको नहीं अप्लाई करूँगी, तो इसको थोड़ा सा कलर लाइक आप अपने लिप्स पे लगा के, एंड मैं इसको अपने फिंगर से प्रेस कर दूँगी लिप्स में, ताकि नॉर्मल से एक टेन सा आपके लिप्स को मिल जाए जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा आफ्टर वर्ड्स. सो जो कि दीपिका पादुकोण के लिप्स पे ऑलमोस्ट सेम कलर है. नेक्स्ट मैं हाईलाइट कर लूँगी अपने ब्राउ बोन्स को, एंड जो इनर कॉर्नर्स है आईज़ के वहाँ पे हाईलाइट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ एन एप्लीकेटर टू गिव माई आईज़ अ पॉप्ड अप लुक. एंड विद दिस आई फिनिश माई सेकेंड मेकअप लुक. सो या द लुक इज़ रेडी. And yes guys, this is my third and final look, which is from Cannes 2019. Firstly, I'm gonna take this eyeliner, which is in the shade Jet Black from the Lakme brand, that is 9to5 brand. And then इसको मैं first of all thin सा अपने ऊपर के lash line पर apply करूँगी, and then इसको properly मुझे shape करना start करना है inner corner की तरफ से. So मैं use कर रही हूँ यहाँ पर liquid eyeliner, because मैं actually मैंने try किया था pencil liner से भी apply करने के लिए, but I was not able to actually, because उससे shape proper नहीं create हो पा रही थी मेरे left eye में. So that's the reason I picked up this liquid eyeliner. And मैं यहाँ पर एक wing भी create कर रही हूँ. आपको sharp wing create करना है, जितना लंबा या जितना छोटा विंग आपको चाहिए, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस. यू हैव टू बी रियली रियली केयरफुल विद दिस लुक. आफ्टर ऑल यू आर यूजिंग अ ब्लैक कलर, सो डेफिनेटली यू कैन एंड अप क्रिएटिंग अ मेस एज वेल. सो यस, काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा आपको. देन मैं इसी लाइनर से दोबारा से कोट कर रही हूँ ऊपर की लाइन, बिकॉज आपको प्रॉपर शेप भी देनी होगी राइट एट लास्ट. देन आई एम यूजिंग दिस लैक्मे आइकॉनिक काजल अपनी लोअर वाटर लाइन पे एंड अपर वाटर लाइन पे अप्लाई करने के लिए, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट कुछ एरियाज होते हैं जो कि आपके फिर वो यू नो स्किन नज़र आती है. देन आई एम यूजिंग दिस गाला ऑफ लंडन का मस्कारा, विच इज़ रियली 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 गुड, बिकॉज इट गिव्स योर आई लैशेज अ वेरी वेरी नेचुरल लुक एंड सेपरेट्स योर आई लैशेज कम्प्लीटली. एंड पैक के आई लैशेज मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई कर लिए हैं. देन आई एम यूजिंग दिस पैक लिप कलर, तो मैं इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिप्स को अपने लाइन कर लूँगी, एंड देन उसके बाद मैं इसी से थोड़ा बहुत फिल कर लूँगी, एंड उसके बाद मैं यूज़ करूँगी लिपस्टिक विच इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी. दिस इज़ अ मॉव कलर, एंड देन मैं इसको अप्लाई कर लूँगी अपने लिप्स पे. एंड येस, दिस कम्प्लीट्स माई एंटायर लुक. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड डू नॉट फर्गेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ माई वीडियोज. सो आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो सून. फॉर द टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.